नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत संधवा। बड़ी खबर दिल्ली से काबुल तक। इस वक्त गहमा गहमी का दौर है। काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी फायरिंग की खबरें आ रही हैं। 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। परिसर में अभी कुछ और शवों की बरामदगी भी हुई है। हालात को देखते हुए फिलहाल काबुल से सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और अब ये सेना के हवाले है। लोग किसी भी हाल में काबुल से भागना चाह रहे हैं। दीवार फांद कर लोग एयरपोर्ट में घुस रहे हैं, तो कुछ लोग अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स तक जा पहुंचे। तो उधर दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। ये विमान वहां से भारतीयों को लाने वाला था। तो बड़ी खबर, गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है, कुछ और शव परिसर में हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने खून से सने शव वहां पर देखे हैं। इस बीच काबुल एयरपोर्ट फिलहाल सेना के हवाले। काबुल आने जाने वाली तमाम उड़ानों को फिलहाल रद्द किया गया है। भारत से जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि तजाकिस्तान में अब्दुल गनी नहीं उतरे हैं। ये खबर अभी तक आ रही थी कि तजाकिस्तान में उतरे हैं वो, लेकिन तजाकिस्तान ने फिलहाल विमान की लैंडिंग को लेकर इजाजत नहीं दी थी। ये बड़ी खबर आ रही है। ओमान से गनी के अमेरिका जाने की अटकलें फिलहाल तेज हो गई हैं, ये भी खबर आ रही है। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के ओमान में होने की खबर फिलहाल आ रही है और खबर यह है कि वहां से अमेरिका की उड़ान वो भर सकते हैं। लेकिन इस बीच तनाव की स्थिति पूरे अफगानिस्तान में। कल तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद की भयानक तस्वीरें लगातार सामने आए। एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, हर जगह पर अफरा तफरी का माहौल। लोग शहर छोड़ना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए काबुल एयरपोर्ट का हाल इस वक्त क्या है। विमान में चढ़ने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर है, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अफरा तफरी का माहौल। और इस बीच खबर ये कि एयरपोर्ट के बाहर गोलीबारी हुई जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल। और बड़ी खबर ये कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। मौत और हिंसा। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता, इस वक्त हालात वहां पर क्या है? फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, ऐसे में क्या संभावनाएं आगे, कैसे भारत की तरफ से लोग जो वहां पर हिंदुस्तानी फंसे उनको निकाला जाएगा? जी, काफी मुश्किलें आ रही हैं भारत सरकार को कि वो जो भी वहां पर भारत के बच्चे हैं उनको इवैक्यूएट कैसे करो। एक ही एयरपोर्ट है काबुल में, हामिद करगिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मिलिट्री बेसिस है लेकिन क्या वो इस्तेमाल हो सकते हैं ऐसे वक्त में जब तालिबान के अंडर पूरा देश आ चुका है? तो कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रहा है कि कैसे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजे जाए, कमर्शियल एयरक्राफ्ट के तहत ही, और उसके उसके थ्रू ही सारा इवैक्यूएशन हो। आप जो विजुअल्स देखते हैं, जो मंदिर आपको नजर आ रहा है उस पर ध्यान देना, जो कि कितना बुरा माहौल हो रखा है कि अफगान खुद अपना देश छोड़ना चाह रहे हैं और उनको टारमैक पर भी उतरने नहीं दिया जा रहा। फायरिंग हो गया क्योंकि यूएस फोर्सेस अपने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करना चाहते हैं और चाहते थे कि ये अफगानी लोग टारमैक पे ना पहुंचे। टारमैक क्योंकि बहुत सारे लोग एरोप्लेन में कोशिश कर रहे चढ़ने की, वो विजुअल्स भी हमने देखा है, तो उनको हटाने के लिए जो गन फायर हुए उसमें लोगों की मौत भी हो गई। तो बहुत ही बुरा हाल है। मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं, डेस्परेट मैसेजेस, ये पूछते हैं कि क्या वीजा मिल पाएगा भारत का। भारत के अभी वीजा जो ऑफिसर्स है टेम्पररीली बंद कर दिए गए हैं
काबुल में, क्योंकि स्थिति को देखते हुए इवैक्यूएशन ज्यादा प्रायोरिटी रखती है और वो इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं और अभी फ्लाइट बंद हो गए हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय सरकार के लिए है कि कैसे फ्लाइट भेजा जाए काबुल और भारतीयों को और जो अफगान है जिनके पास वीजा है उनको कैसे भारत लाया जा सके। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जो स्थिति है वहां पर देखिए बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है और ये तस्वीरें लगातार हम काबुल एयरपोर्ट की भी दिखा रहे हैं, गोलीबारी और इस बीच खबर ये आई कि 5 लोगों की मौत हो गई। अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, लगातार ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक तरह धुएं का गुब्बार अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर अभी भी गोलीबारी हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। दो तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें, गीता मोहन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस बीच ये दो तस्वीरें बहुत अहम जो इस वक्त की स्थिति को बयां कर रहे हैं और इस बीच बहुत सारे और बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो शहर भी छोड़ना चाह रहे हैं और शहर छोड़ते हुए लोगों की तस्वीरें भी आ रही हैं हाईवे की, जहां पर तालिबान के लड़ाके लगातार गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और इस बीच देखिए विमान के साथ साथ भागते ये लोग, ये वो तस्वीरें विमान के साथ साथ बगल में भागते हुए ये लोग। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई लगातार गीता, जो सिचुएशन इस वक्त हम वहां देख रहे हैं, देखिए विमान टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है और वहां पर विमान के साथ साथ भाग रहे लोग। गीता, नवजोत बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, ये आप बाहर देखते हैं। कुछ विजुअल्स एरोप्लेन के अंदर से थे जहां पर अटेंडेंट्स दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जिनके पास टिकट नहीं है वो अंदर आ ना सके और ओवरलोडिंग ना हो। वहां पर भी लोग डेस्परेटली रोते हुए नजर आ रहे थे, हमें अंदर आने दे, हमें भी लेके जाओ साथ। इतना मुश्किल हो गया है और ये केवल वो नहीं है जो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई काबुल के रास्ते पर देखिए, काबुल के एयरपोर्ट पर जितनी जितना क्योस बचा हुआ है उतनी ही काबुल के रास्ते पर भी है। हर कोई अपने घर से निकला हुआ है या फिर किसी बैंक में ताकि पैसे निकाल सके या किसी मिशन में जहाँ पर उसे वीजा मिल सके या फिर एयरपोर्ट की तरह की अगर कोई मदद हो सके और उनके पास लकीली कोई टिकट है तो वो वहीं पे वेट कर रहे हैं कि जब भी खुलेगा हम सबसे पहला फ्लाइट लेके निकल जाएंगे। जो हमारे कुछ दोस्त अफगानिस्तान के दिल्ली पहुंच चुके थे कल, वो बता रहे थे कि उन्होंने रास्ते से अपनी माता और अपने बहन को कॉल किया और कहा जो आप पैक कर सकते हैं पैक करिए और निकलते हैं। तो छोटे छोटे बैग में कुछ नहीं लेकर लोग अपना देश छोड़ रहे हैं, अफगानिस्तान छोड़ के बाकी देशों में जा रहे हैं। तो बहुत ही बुरा हाल है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि तालिबान ने आके अपना कप्ती मचा दिया, ये इसलिए है क्योंकि डर है कि अगर तालिबान की सरकार वापस आती है और वो दिन वापस आ जाते हैं तो वो निकल भी नहीं पाएंगे और वहाँ जी भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, और ये डर साफ नजर आ रहा है गीता लोगों में और ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। विमान के साथ साथ भागते हैं, रनवे पर विमान भाग दौड़ रहा है, टेक ऑफ करने की कोशिश हो रही है लेकिन उसके साथ साथ भागते लोग, ये डर है और ये डर का माहौल लोगों में साफ नजर आ रहा है। कल तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और उसके बाद से ही किस तरीके से लोग, जी गीता जी बिल्कुल, अब जो कल तालिबान के स्पोक्स पर्सन से जब हमने बात की उन्होंने कहा डर के डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम चाहते हैं अमन और शांति अफगानिस्तान में। लेकिन जो सच्चाई है वो अब आपको नजर आ रही है कि तालिबान चाहे कुछ भी कह दे, जो डर लोगों के दिल में बैठा हुआ है तालिबान का वो गया नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए था ऐसे विड्रॉ करने से पहले
कि जो सोशल रिपरकशन होंगे इस देश में वो क्या होने वाले हैं। आप केओस देखिए, आप वीडियोस देखिए, रनवे में लोग भाग रहे हैं, एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट में लोग दरवाजा बंद नहीं करने दे रहे हैं, प्लेन का कह रहे हमें भी ले चले साथ। एक विजुअल ऐसा है जहाँ पर जो ओवरब्रिज होता है, ओवरब्रिज को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग इतने बुरे माहौल में। अगर कोई नहीं चाहता, कोई पहली बात नहीं चाहता नवजोत अपना घर छोड़े, और अगर घर छोड़ भी रहा हो तो ऐसे जाना नहीं चाहता जहाँ पर वो किसी और देश में जाके रेफ्यूजी बन के रह जाए। आज माहौल इतना खराब है कि लोग इस तरीके से भाग रहे हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि उन्हें डर है बिल्कुल गीता कि तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं। और ये डर गीता साफ तौर पर नजर आ रहा है, दोनों तस्वीरें जिसका जिक्र आप कर रही है, और दोनों तस्वीरें इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। विमान पर किस तरीके से चढ़ रहा है, विमान अगर टेक ऑफ करने की कोशिश करता है तो रनवे पर दौड़ती भीड़, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर है, यानी डर इतना ज्यादा कि तालिबान अभी फिलहाल कल काबुल एंटर हुआ है, और ये डर और खौफ इतना ज्यादा कि अगर तालिबान इस तरीके से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, वो माहौल कैसा होगा, उससे पहले जनता देश छोड़ना चाह रही है। तो अफगानिस्तान तक आज तक काबुल से कांधार, जलालाबाद से मजार शरीफ तक आज तक के सहयोगी लगातार खबरें हमें भेज रहे हैं, और इस रिपोर्ट में हम काबुल से हमारे सहयोगी नवीद ये बताएंगे कि राजधानी किस कदर डर के साए में है, लोग किस कदर डर के साए में जी रहे हैं, साथ ही बाकी सहयोगी की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। This is the Afghanan area. You see in a video the Taliban members. अफगानिस्तान इस समय वक्त का पहिया घूमते देख रहा है, फिर से सड़कों पर तालिबानी आतंकी दनदनाते घूम रहे हैं, और सरकार, राष्ट्रपति और सिस्टम सरेंडर कर चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान में बदलते हालात को देख रही है, और आज तक के जरिए पूरा देश जान रहा है कि वहां के हालात पल पल कैसे बिगड़ रहे हैं। ये क्या तालिबान के लोग हैं सिद्दीक? ये सब तालिबान के लोग, ये सारे शहर में चल रहे। काबुल की खबरें हमारे सहयोगी नावेद लगातार आज तक के लिए भेज रहे हैं। वो काबुल की सड़कों पर जब निकले तो माहौल में खौफ था, और तालिबानी डर हर कहीं महसूस किया जा सकता था। I'm in Demazang area. This is the commander of Kabul. You see in the picture. And now the Taliban members walking Demazang area. It's the commander of Kabul. So the all of police of the Kabul controlled by this commander. See the Taliban and Demazang. You see the picture of Commander Kabul. This, look at the picture. There the Taliban. Kabul शहर इस वक्त दहक रहा है। एयरपोर्ट पर गोलियां चल रही हैं और लाशें गिर रही हैं। काबुल का हाल हमारे सहयोगी नावेद ने जो बताया वो डराने वाला था। This is the Afghanan area. You see in a video the Taliban members and some journalists come here for the making the report of the TV, and all of the Taliban members. This car and some other government car now captured by the Taliban soldiers. This is Taliban and group of Emirat Islami. This place is the Afghanan near to presidential place. काबुल से पहले तालिबान ने कंधार को जीता और अपने खौफ के निशान वहां छोड़ते गए। हमारे सहयोगी सदीकुल्ला के कैमरे में कैद सच आपने आज तक के जरिए देखा। ये जो बच्चा दिख रहा है ये कंधार का एक बच्चा है। तालिबान की हुकूमत आने से ये कुछ खुश लग रहा है, क्योंकि ये अभी तक बच्चा है, समझ नहीं आ रहा है इसको कि कौन सी हुकूमत अच्छा था और कौन सा बुरा।
इससे पहले हमारे श्रीनगर संवाददाता अशरफ वानी भी काबुल के हालात सबसे पहले सबसे तेज आपको दिखा चुके हैं, जहां साफ साफ महसूस किया जा सकता था कि तालिबान के पंजे से अब अफगानियों को कोई नहीं बचा सकता। मैं खड़ा हूं इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। अफगानिस्तान जंग से जूझ रहा है के मैदान, और जंग के इस मैदान में आज तक उस हर जगह और हर शहर में पहुंचा जहां पर तालिबान और अफगान फौज आमने सामने हैं। काबुल से पत्रकार कनिका भी लगातार बता रही हैं कि वहां के हालात क्या हैं और जिंदगी इस मुल्क में किस कदर दुश्वार होती जा रही है, किस कदर जीना मुश्किल है, और अफगानिस्तान कैसे 20 साल पहले के दौर में जा रहा है। सिर्फ सड़क देख पा रही हूँ तो थोड़ी बहुत मूवमेंट व्हीकल्स की है, गाड़ियाँ जो हैं आ जा रही हैं, पर एक जो यहाँ का माहौल है वो काफी लोग घबरा गए हैं कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। आज तक ब्यूरो। तो काबुल से लेकर दिल्ली तक तालिबान का खौफ अफगानियों में साफ नजर आ रहा है। दिल्ली में रह रहे अफगानियों से भी हमने बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात को देखकर भारत में जो अफगानी लोग हैं वो चिंता में इसलिए भी हैं कि आखिर उनके अपनों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, इसको लेकर लगातार वो लोग इस समय अफगान एम्बेसी के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं इस समय, आप लोग अंदर भी गए, क्या स्थिति आपको देखने को मिली और क्या बोला गया? नहीं, हमको कुछ नहीं बोला, हमको कोई बोला फिर बाद में आ जाओ, फिर मैं आपको फोन करेगा, फिर बोलेगा सही। आपकी फैमिली कहाँ पर है? अभी अभी काबुल में है हमारी फैमिली, काबुल में। हाँ, अभी वहाँ जो है बहुत बुरा हाल है, अभी हालात बहुत ख़राब है, इस वजह से हमारा तो अभी टेंशन है, तो अभी काम क्या करें। मैं अभी इधर आया हुआ है, वहाँ जो है मेरा माँ है, पदर है, भाई है, बहन है, सब वहाँ है, अभी तो हालात ख़राब है। बात हुई परिवार से आपकी? परिवार बात हुई है तो हालात बहुत ख़राब है, अभी तो बहुत बुरा हाल है वहाँ। घर से निकल पा रहे हैं या वो बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं, घर से नहीं निकलेगा, वो जो है सारा घर में बैठा हुआ है। हाँ जी,